आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम लाइन ऑफ इज द डायरेक्शन ऑफ। मतलब बताने की अगर हम एक इलेक्ट्रिक हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा फाइंड करें, तो बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी है ना, और कहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसके डाइपोल के एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, सपोज करते हैं हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, सपोज करते हैं पहले इक्वेशन में यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या लेंगे हम डी लेंगे। तो आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो दिशा होता है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा हमारी क्या होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा किधर की ओर होगा, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि इस साइड में होगा। हम मान लेते हैं कि अगर हमने क्या किया, उससे इस दूरी पर हम क्या करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें, ठीक है, इस दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें, तो अगर आप ध्यान दोगे दोनों चार्ज क्या होते हैं सेम ही है, तो ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, इधर की ओर होगा। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपनी ओर लेता है, अपनी इस उसी की मतलब अपनी खुद की दिशा की ओर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा ई माइनस क्यू के द्वारा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, इससे दूर की ओर होगा, मतलब कि इधर की ओर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा ई पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो नेगेटिव वाला चार्ज क्या है, वो कम दूरी पे है ना, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव के द्वारा वो क्या होगा, पॉजिटिव वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो अगर दूरी की वैल्यू ज़्यादा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो हमारा वन अपॉन डी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोजनल, हाँ वन अपॉन डी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रपोजनल होता है, मतलब कि अगर दूरी को देखें तो इन्वर्सली प्रपोजनल है ना, दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर अगर वन अपॉन डी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हमारा दूरी अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहाँ पे हमारा जो प्लस क्यू के द्वारा, प्लस क्यू के लिए हमारा क्या है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, मतलब कि ये जो वैल्यू होगा वो कम होगा किससे, ई नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा, मतलब कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी किधर की ओर आएगा, इसी दिशा में होगी। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो डाइपोल की दिशा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं दूसरा ओरिएंटेशन, कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर निकालें, पॉजिटिव के साइड निकालें है ना, तो उसके समय क्या होगा, सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर हो गया और पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक है, और ये हमारे कुछ इस प्रकार से डाइपोल रखे हुए होंगे डी दूरी पे, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिशा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब किधर भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। हम मानते हैं कि इसके मतलब पॉजिटिव के साइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ पे क्या होगा सी, अगर पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इधर की ओर होगा, ई किसके द्वारा, पॉजिटिव के द्वारा, और अगर नेगेटिव द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, खुद की ओर खींचेगा, मतलब कि पीछे की ओर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नेगेटिव के द्वारा। फिर से क्या होगा, अब पॉजिटिव वाले के लिए हमारा क्या हो गया, दूरी की वैल्यू क्या हो गई, कम। अगर दूरी की वैल्यू कम है इसका मतलब ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी हमारा क्या है, नेगेटिव के लिए ज़्यादा है। तो अगर दूरी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और दोनों का चार्ज क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, उनके बीच की दूरी पर ही डिपेंड करेगी, यानी हमारा ई प्लस क्यू हमारा क्या हमारा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट किधर की ओर होगा, इसी दिशा में होगी। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आ रही है वो किसकी दिशा के साथ आ रही है, डाइपोल की दिशा की में ही आ रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी किसकी दिशा में होगी, इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल का जो दिशा होगा उसी दिशा में हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, कहाँ पे, एक्सिस पे। ठीक है, कहाँ पे आएगा हमारा वो, एक्सिस की बात करें तो। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।